And in today's video, I'll be showing you the complete service process for the Isuzu D-Max V-Cross. Kitne ki service hoti hai, kya kya cheeze dalti hai, and how is the whole service process like. I'll be sharing everything that you need to know from a maintenance standpoint as well. Hey, what's up guys? Kaise ho aap log? Back to Isuzu now. On my Isuzu, I have almost done 52,327 kilometers. So I'm heading out to Najafgarh today, which is like almost 70-75 kilometers from my place, to get the Isuzu serviced. As I told you, 52,300 odd kilometers hum kar chuke hain. Aur Isuzu ki jo service hoti hai na, wo every 10,000 kilometers pe hoti hai. So जो 10,000, 30,000 किलोमीटर्स वाली जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, अराउंड 7,000, 8,000 रुपीज़, क्योंकि उसमें दैट इज़ व्हाट दे कॉल एज अ माइनर सर्विस. बट जो 20 एंड 40,000 वाली सर्विस होती है थोड़ी सी वो महंगी पड़ती है. उसी के चक्कर में आई एम नॉट गेटिंग द कार सर्विस फ्रॉम द ऑथराइज Isuzu सर्विस स्टेशन, बट एक थोड़ा सा जुगाड़ ढूंढा है जहाँ पे मुझे पता है कि सर्विस भी अच्छी हो जाएगी और पैसे भी थोड़े बच जाएंगे. तो इस चक्कर में आई एम हेडिंग आउट टू नजफगढ़ टुडे, एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट सर्विस प्रोसेस फॉर द Isuzu D-Max V-Cross. कितने की सर्विस होती है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, एंड हाउ इज़ द होल सर्विस प्रोसेस लाइक. आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम अ मेंटेनेंस स्टैंड पॉइंट एज वेल. आई नो मेरा एक Isuzu पे डिटेल्ड वीडियो बनाना पेंडिंग है, एंड आई हैव ऑल योर क्वेश्चंस विद मी दैट यू गाइस शेयर्ड, बट आज मैं सिर्फ मेंटेनेंस एंड सर्विस पे फोकस करूंगा Isuzu की, सो दैट यू आई कैन प्रोबेबली आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैड. सो आई एम होपिंग कि ट्रैफिक कम मिले और मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊं, 3 घंटे में सर्विस कराएंगे और वापस आएंगे. एक इशू जो मैं फेस कर रहा हूं कि अभी ना मेरे को अपनी गाड़ी की पूरी फील नहीं आ रही. मैंने 2 दिन हो गए Isuzu को वापस आए हुए एंड थार को गए हुए, और 10 दिन मैंने थार को अच्छे से चलाया, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की, जो वीडियोज़ वगैरह बनाए आपने देखे, बट उसके बाद हो क्या रहा है कि मेरे को ना थार चलाने की आदत पड़ गई है. दोनों व्हीकल्स ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं, ऑफ रोडिंग मशीन्स हैं, बट दोनों ना अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. Isuzu थोड़ी सी एक हैवी और बल्की कार है, विच इज़ मेंट फॉर हाईवेज, इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली कार जिसमें आप पूरा इंडिया घूम सकते हो. थार थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी गेड़ियाँ मारने वाली गाड़ी है, मज़े करने वाली, टशन दिखाने वाली गाड़ी है. प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूजफुल है नहीं है, दैट इज़ सब्जेक्टिव यू नो, बट स्टेयरिंग दोनों का जो है, हैंडलिंग बहुत डिफरेंट है, गेयर्स कैसे लगते हैं. Isuzu में लंबे लंबे गेयर थ्रोज हैं गेयर लिवर के, और थार में छोटे छोटी गाड़ी जैसे जो गेयर थ्रोज होते हैं ना आराम से i10 i20 वाले, वैसे गेयर थ्रोज हैं. सिमिलरली फॉर द क्लच एंड द पेडल्स, एक्सेलरेटर एंड ऑल दैट स्टफ, एंड ऑफकोर्स द साइज. अब Isuzu जैसी गाड़ी को अगर आप चला रहे हो तो आपको ना पीछे वाला जो लोडिंग एरिया है उसको भी हमेशा क्लियरेंस उसकी ध्यान में रखनी पड़ती है. तो मैं थोड़ा सा अभी वेरी हूँ, मुझे लगता है अभी एक लंबी ड्राइव करूँगा ना आज 100-200 किलोमीटर की, तो थोड़ा सा मेरा हाथ सेट होगा. सो अभी हम जस्ट पहुँचे हैं जहाँ पे हम लोगों ने सर्विस करवानी है, और ये ना नजफगढ़ में आया हूँ मैं कहीं, और घरों के बीच में गली में हमने गाड़ी पार्क करी, अगर आपको समझ में आ रहा है, अभी बाहर से दिखाता हूँ. सो दिस गाय इज़ प्रिटी गुड एट सर्विसिंग द व्हीकल. तो मैं शोरूम से नहीं करवा रहा सर्विस इस बार, क्योंकि वाली सर्विस काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, अराउंड 20-25,000 रुपीज़ की पड़ती है वाली सर्विस. सिंस दिस गाय काइंड ऑफ हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ सर्विसिंग Isuzu's V-Cross, MUX, whatever, सो आई ब्रॉट दिस हेयर एंड ही विल बी सर्विसिंग इट एट हिज होम. सो सही है, आई थिंक काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे एंड सर्विस भी बढ़िया हो जाएगी, और मेरे सामने हो रही है सबसे बड़ी बात है. वर्कशॉप में थोड़ा इधर उधर जाना अलाउड नहीं होता, और यहाँ पे मेरे सामने हो जाएगी तो हाँ. ये ओरिजिनल बैटरी है, अभी तक मैंने कुछ नहीं चेंज करवाया. अभी आपने क्या लिक्विड भरा था वाला? पानी डाला, मिनरल वाटर. सो ये हमारा 2.5 लीटर वाला जो इंजन है 2017-2018 मॉडल Isuzu का, जो नया वाला इंजन आया उसमें इतनी ज़्यादा जो उन्होंने पावर बढ़ाई है, वो कैसा है इंजन? 1.9 वाला. 1.9 वाला है, उसमें क्या ना वो रेड ब्लू दे दिया इंजन की पावर बढ़ाने के लिए. ये ओनली BS6 के अंदर दे दिया, जो आपका एग्जॉस्ट जो होता है ना, एग्जॉस्ट के अंदर जो है स्प्रे करता रहता है. अच्छा, तो इससे पावर बढ़ती है? हाँ, इससे जो पिकअप होता है ना सडनली बढ़ता है उससे. अच्छा,
160 bhp 165 bhp अभी ये है क्लाइंट को रीमैप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ इसमें तो ऐसा लगता है रीमैप कराने की जरूरत है, इसमें जरूरत लगती है लेकिन लोहे के मोटर में ज्यादा लगती है, इसमें तेरे खास जरूरत नहीं। तो कौन सा वाला रीमैप करवाऊं अगर करवाऊं तो ये बताओ। वैसे तो जो अगर करवाना है तो उसका चलता है क्वांटम डेली का। क्वांटम? हाँ। वो कितने का? वो पड़ता है 22,000। और एक पीट वाला आता है 10,000 का, वो कैसा है? वो लो लेवल पे करते हैं। लो लेवल हाई लेवल मतलब? इसकी मैंने सुनी है परसेंटेज होती है इसकी। अच्छा, आपको कितने परसेंटेज रीमैप करानी है, 10% 20% 50%, जितनी कम परसेंटेज कराओगे उतनी ही क्या है आपकी कॉस्ट घटती चली जाएगी। अच्छा, लाइक 10% कराते हो तो 8-9,000। ओके, अगर जो मैक्सिमम कराते हो तो 22,000। बेसिकली जितना पावर इंक्रीज है उतने ज्यादा पैसे हैं रीमैप के। लेकिन रीमैप से थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट ये है कि इसके एवरेज थोड़ा फर्क पड़ता है। अभी जैसे अभी मैंने पूरा लद्दाख वाली जो करा ना ट्रिप, उसमें 11.5 के करीब दी है एवरेज। 1.5 किलोमीटर गिर जाती है एवरेज। सो ये हमारा पुराना वाला एसी फिल्टर है, ये गंदा हो चुका है, और जो नया वाला है वो आपको दिखाते हैं। एंड ये वाला बिल्कुल नया है, ये ब्राउन है, ये वाइट है। तो ये साफ नहीं होता एसी फिल्टर? ये सर इसकी साफ की कंडीशन होती है, लेकिन ये देखो बिल्कुल चौक हो चुका है। अगर अच्छा, ये हिस्सा ऐसा ना होकर ऐसा होता तो अच्छा, चांस होने की उम्मीद होती है। ये जो बीच में फंस चुकी है, ये पूरा फंस चुकी है, ये देखो ये पूरा, ये देखो इसका ये हिस्सा ये बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा है। ओके, इसकी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सभी कंपनी 20,000 पे बोलती है रिप्लेसमेंट के लिए। मुझे तो लगता नहीं हुआ है वैसे रिप्लेस ज़्यादा बहुत जल्दी। हाँ इसके अंदर पूरा साफ है, वो तो नया का नया ना इसकी। ये डीजल फिल्टर, ये भी चोक है? चोक है, देख रहे पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है। तो ये रिप्लेस होता है कि साफ होता है? ये रिप्लेस ही होता है, कभी साफ नहीं होता कभी भी। तो ये हमारे ओरिजिनल एस्टीमेट में था? ये ओरिजिनल एस्टीमेट में नहीं था। कितने का है ये? जो है हम चेक करके बताते हैं कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अच्छा, हाँ जी, दोनों में फर्क जमीन। तो ये सारा ब्लैकआउट मिट्टी से हुआ हुआ है सारा? हाँ, ये एक्चुअली जो गंदा डीजल आता है ना, उसकी वजह से जो उसमें कार्बन रेत के मेटल्स होते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, जिससे गाड़ी एवरेज कम देती है, पिकअप तोड़ती है। तो ये डीजल की क्वालिटी के कारण होता है कि डीजल की क्वालिटी वैसे ही गंदा होता है? डीजल की क्वालिटी के कारण। ये एडल्ट्रेटेड डीजल है, अगर आपका बढ़िया से बढ़िया डीजल भी हुआ तो भी कम से कम 80-90 तक निकालता है, और अगर खराब डीजल हुआ तो 5,000 रुपये आपको भूल जाएगा। आप दिल्ली से डलवा रहे हो और आप जाते हो जयपुर, जयपुर में जैसे डीजल डाला आपको क्या पता, समझ रहे हो? फिर आप चले गए वहाँ से देहरादून, आपने कहा डीजल टैंक फुल कर दे, अब देहरादून में कैसे डीजल, आपको तो नहीं पता उसके बारे में। मतलब अब ये डीजल फिल्टर फिर कब रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी? 30-40,000 किलोमीटर के बाद? ये आपको चेक करवाना पड़ेगा, ये मैं गारंटी नहीं कहता कि 40 पर चेंज होगा ही होगा, बट एवरी 10,000 किलोमीटर की सर्विस में एक बार इस पर नज़र मार ली जाएगी क्या हालत है। ये हमारी प्यारी सुजुका पूरा पूरा इंजन कैसे कवर निकल गया है। अच्छा, ये बेल्ट टाइट होगी, ये पूरी लूज पड़ी है। ये कौन सी बेल्ट होती है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एसी बेल्ट। एसी बेल्ट? हाँ, ये एसी को ट्रैक देती है। अगर ये आपकी लूज लूज होगी तो आवाज करेगी, पर सबका एसी स्लिप होगा। हाँ, एसी स्लिप मतलब ऐसे बंद होगा बार बार? ये एसी जो है ना ये स्लिप रहेगा, जब स्लिप रहेगा तो एसी काम नहीं करेगा। अच्छा, कभी करेगा कभी बंद हो जाएगा, कभी करेगा कभी बंद करेगा, ये आवाज भी करेगी जब सडन एक्सीडेंट हो गया ना, तो चीन 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 से आवाज करेगी। तो एसी वाली बेल्ट हमारी टाइट हो गई। अब ये क्या मामला है? ये ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल 40 की सर्विस पर रिप्लेसमेंट होता है। तो इसकी कंडीशन कैसे समझ में आ रही है आपको? जैसे ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया? अच्छा, और नए वाले का कलर देखते हैं कैसा है? बिल्कुल वाइट होगा। अच्छा, वाइट कलर होगा पूरा, ये पूरा ब्राउनिश है। ये ब्रेक ऑयल पूरा चेंज होगा 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस के शेड्यूल के हिसाब से। हमारी जो व्हील कैप्स हैं वो भी गुम चुकी हैं इस व्हील पे, और इनफैक्ट आगे वाले दोनों व्हील्स पे भी जो इसुजू वाली व्हील कैप होती है दोनों निकल चुकी हैं। दो निकल गई थी तो बाकी दोनों को बचाने के लिए मैंने बूट में रख दिया था, और एक वैसे ही घूम गई। सो इनफैक्ट 3 व्हील कैप अभी मिसिंग है और एक ही हमारे पास। तो देखते हैं अभी बाकी तीनों व्हील कैप्स अगर हमें मिल जाती हैं तो एटलीस्ट अच्छी लगती है गाड़ी, विदाउट व्हील कैप्स थोड़ी सी भैड़ी सी लगती है। तो भाई साथ साथ में सर्विस हो रही है और साथ साथ में ना ये काम भी अपना चल रहा है, वीडियो अपलोड चल रहा है। सेकेंड वीडियो जो थार पर बनाया था मैंने, फर्स्ट वाला देखने के बाद सेकेंड वाला भी देखना। गली में गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे गाड़ी सर्विस हो रही है। सही है मामला।
ब्रेक पैड आपके नए हैं। ब्रेक पैड नए हैं? हाँ। किसने बदले? क्या ब्रांड न्यू है कि घिसे कम है? मतलब ये है आपके ब्रेक पैड 20-30 हज़ार आराम से निकालेंगे, तो हम बोलते हैं उसमें नए है। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये जो पूरा एरिया है ये सारा जो रस्टेड है इतना ज़्यादा, यहाँ तक कहने पर दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मेन दिक्कत आती है यहाँ से इसके बीच में। अच्छा, डिस्क पे ना आया बेसिकली रस्ट। अब ये जो है यहाँ से हल्की हल्की है, तो उससे क्या ब्रेक जटरिंग आती है। अच्छा, ब्रेक जटरिंग जैसे क्या गाड़ी 70 पे भी 80 पे भी 90 पे भी 100 पे भी 40 पर भी, हाँ, किसी पर भी आ सकती है। अगर आप जैसे 40 पे गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक पैडल हल्का सा प्रेस करो ब्रेकिंग के लिए, तो स्टीयरिंग में से वाइब्रेशन होगी। ओके, उसे बोलते हैं ब्रेक जटरिंग, उसकी वजह से वो आती है। अच्छा। या डिस्क कट जाए या रस्टेड हो जाए, तब ये दिक्कतें आती है इसमें। ओके, अभी मतलब मामला ठीक है। और ये आपका जो ब्रेक पैड है ना, ये कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है, कम से कम नहीं अभी 20-25 हज़ार और निकाले। अच्छा, जिस हिसाब से अभी आप चला रहे हो उस कंडीशन में। मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलाता, इसलिए चक्कर में शायद बचे पड़े हैं और क्या। हाँ जी, क्योंकि तभी मैं कहता हूँ ब्रेक पर नहीं है, इसकी जो थिकनेस होती है ना 10 mm होती है। अच्छा, नए ब्रेक पैड की थिकनेस, और एक तकरीबन अभी भी कम से कम 7 mm के आसपास हो गए, 7-7.5 के आसपास है अभी ब्रेक पैड। ये सारा का सारा कूलेंट बाहर आ रहा है हमारा पुराना, फुल रिप्लेसमेंट होगी इसकी। हाँ, ये अंदर से पूरा ब्लैक हो चुका है, जबकि अंदर से बिल्कुल ब्राउन कलर का अंदर से देखोगे तो। अच्छा, ये हुआ है इसमें डिफरेंट। ओके, ऑयल जो है जा जाके उसके अंदर कार्बन होता है ना, ऑयल में जब ऑयल चलता रहता है तो उसमें कार्बन बनता है। ओके, तो कार्बन जैसे ऑयल फिल्टर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको चेंज कराना कंपलसरी है। बीच में इसका वाल लगा होता है, बीच में जो वाल है ना ये, अगर इनकेस आपका ऑयल फिल्टर चेंज नहीं कराते आप, ऑयल फिल्टर पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, तो पूरा ब्लॉक होने के बाद जो वाल है ये सेंटर वाला, ये इसका प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद जैसा ऑयल आ रहा है एजिट, ऐसे कैसे आपके इंजन में ट्रांसफर हो जाएगा, उससे बड़ा जिससे कि आपका इंजन तो सीज नहीं होगा कुछ समय तक तो निकालेगा, लेकिन बाद में सीधा आपका इंजन ओवरऑल ही कराना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब डायरेक्ट ऑयल जा रहा है तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जो ऑयल गैली को चोक कर देती है। अच्छा, ऑयल की सप्लाई पर ऊपर, मतलब बेसिकली कार्बन कितना जा रहा है इंजन में वो कंट्रोल कर रहा है ना, रेगुलेट कर रहा है। डाल रहे हो आप डिफरेंशियल ऑयल? हाँ जी, डिफेंसर ऑयल। ओके, तो पीछे शिफ्टिंग जो होती है बेसिकली 2H 4H, एक्चुअली क्या है अपनी जो गाड़ी है रियल व्हील ड्राइव है मेनली, अगर 2H पे भी गाड़ी चलाते हो तो पीछे के टायर आपके मूवमेंट में रहेंगे। ओके, तो उसके लिए डिफेंसर होता है जो कि इन दोनों टायरों को पावर देता है, ड्राइव देता है। अब जो ड्राइव है उसके गियर का मैकेनिज्म होता है जो कि थोड़ी जिसे लोकल लैंग्वेज में हांडी बोलते हैं, तो उस हांडी के अंदर गियर होते हैं स्टार गियर, सन गियर, पिनियन, उन चीज़ों को लुब्रिकेशन करने के लिए डिफेंसर ऑयल होता है। अच्छा, अगर ये ऑयल चेंज नहीं करोगे तो क्या डिफेंसर इसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के बाद। ओके, उसमें एक पीछे का डिफेंसर होता है, आगे का डिफेंसर होता है। अच्छा, अगर आप जैसे जैसा 4H पे चलाते हो ना, तो आगे के जो टायर लगे हुए हैं उसमें एक्सल लग रहा है, एक्सल का डिफेंसर अलग है। इसमें दो डिफेंसर है, एक फ्रंट और एक रियर। भाई, पीछे वाली लाइट में से पानी निकालना और बल्ब ठीक करना है। कंपनी अपने लिए कंपनी के कूलेंट रेफर करती है। अच्छा, आप बाहर से जो कूलेंट लेते हो उसमें बाकायदा लिखा होता है आपको 80% वाटर मिलाना होगा। ओके, और इसके अंदर जो है वाटर ऑलरेडी मिक्सड आता है। ये एक सिंपल है, उठाया और डाला, ये पुराना वाला है। हाँ जी, इसकी चमक दिख रही, आपको चमक दिख रही होगी, अलग ये ग्रीन लग रहा है और ये थोड़ा सा इसको अगर ब्राउन हो गया, इसको बोतल में डालोगे तो ब्राउन दिखाई देगा, लेकिन इसकी जो शाइनिंग है ना ये नॉर्मल पानी लग रहा है, ये मिक्स लग रहा है, ये इसका डिफरेंट है ओल्ड का और न्यू का। जो इसकी जो लुब्रिकेशन है ना, ये लुब्रिकेशन है, ये इसकी ख़त्म हो जाती है इसके अंदर, ये पूरा पानी है इधर, ये आता है 10 लीटर पूरा। 10 लीटर? हाँ जी, 10 लीटर में से ये मान के चल लीजिए 7-8.5 के आसपास गाड़ी में आता जाता है। पूरा दबा दिया, फ्लोर तक चला गया, क्या करूं, छोड़ूं? फिर से पंपिंग पेडल की अपलोड कर दीजिए। ये तो अपने आप में वर्कआउट है। होल्ड रखिए, ये पेडल पंपिंग चल रही है ब्रेक पेडल की, सो पूरा ब्रेक ऑयल बाहर निकालने की प्रोसेस चल रही है, और इसको ब्रेक लीवर को पंप करने में ऐसा लग रहा है कि पैरों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है। बाकी हमने क्या क्या चेंज कर दिया ये बता दो। ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, डीजल फिल्टर। हाँ, डीजल फिल्टर हो गया, और बाकी सारे के सारे ऑयल हो गए, कूलेंट हो गए। अच्छा, हाँ जी, और बाकी ब्रेक की क्लीनिंग हो गई। ठीक है, अब ग्रीस वगैरह रह गया, वो हम 68,000 पे कराएंगे। हाँ जी, 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद। यस सर, 2 लाख चलानी है मैंने ये गाड़ी, चल जाएगी ना 2 लाख? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मतलब अगर इसकी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट देखे हम इसुज़ू की, तो 10,000 वाली सर्विस तो मैंने जब कंपनी से करवाई है। हाँ, वो मेरे को 7 तक की पड़ी है। 7 तक की?
6.5-7 ऐसी ही पड़ती है ना। और 20,000 वाली थोड़ी सी महंगी पड़ी थी मेरे को याद है, 15-16 की पड़ी थी शायद। और 40 वाली और महंगी है। 40 वाली आपकी पड़ती है तकरीबन 25 की। अच्छा और अगर नॉर्मल से नॉर्मल काम भी कराओगे किसी ने मुझे सर्विस और लेबर देनी है तो भी आपकी तकरीबन 21 से नीचे छोड़ती नहीं है। मतलब वहाँ पहुँच जाओ तो 21 का 25 हो जाएगा आराम से बैठे के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कंपनी में जाती है सस्पेंशन लुब्रिकेशन 950 रुपए, उसके बाद फ्यूमिगेशन। हाँ फ्यूमिगेशन भी, ये सब चीजें एड ऑन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा फिर वो वॉशिंग भी वहाँ पे होगी। हाँ। जिसके 500 रुपए, ये 650 रुपए। अच्छा जो भी चार्जेस है, फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हो गई तो उसके 1200 रुपए बैलेंसिंग के हो, अलाइनमेंट के हो गए 600 रुपए अलाइनमेंट के हो गए। तो मतलब कॉस्ट उसकी आ रहा था 22-23 अप्रोक्सीमेट पहुँच जाती है। मतलब 40 के इंटरवल जो है वो महंगा है। सो सर्विस हो चुकी है, एक बार मैं भी चला के देखा हूँ फ़र्क, पिकअप में कैसा फ़र्क फील होता है। आओ भाई, स्मूथ लग रही है गाड़ी। हाँ स्मूथ तो लग रही है। अभी ये वो आ रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल वाला साइन, वो क्या सीन है? वो बैटरी की वजह से ही आएगा वो। मतलब बैटरी खत्म होने के कारण 50 टाइप के सिग्नल मारती रहेगी। सो आफ्टर द सर्विस गाड़ी का पिकअप ऑसम हो चुका है, गाड़ी स्मूथ फील हो रही है एंड आई थिंक द सर्विस हैज़ बीन डन प्रीटी वेल। सबसे अच्छी बात है ऑल्दो हम शोरूम में नहीं गए किसी फैंसी सर्विस कराने, बट जिससे हमने सर्विस करवाई ही इज काइंड ऑफ द इसुज़ू गाय, ही नोज हिज स्टफ अराउंड। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मेजर सर्विस इन द इसुज़ू वी क्रॉस वॉज 13,000 किलोमीटर्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 12,000 इसलिए एक्स्ट्रा लगे क्योंकि हमने डीजल फिल्टर भी चेंज करवाया which was a requirement. From the inside, the car is raring to go again. What we have not got done is the cosmetic stuff, जो गाड़ी के अंदर internal vacuum वगैरह कराते हैं हम cabin के अंदर, and जो washing वगैरह होती है वो काम हमने नहीं करवाया इस service में. So if we can factor that also, that will be like a maximum of about 600-700 rupees maximum. अच्छी जगह से भी करवाता हूँ तो कंपनी में जाता अगर ये सर्विस करवाने तो मुझे 25,000 rupees का आराम से एक्सपेंस आता। अभी हाफ द कॉस्ट में मेरा काम हो गया। सो आई थिंक इट वॉज अ एफर्ट वेल वर्थ इट बिकॉज आई केम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू नजफगढ़ 70 किलोमीटर्स। आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया गाइज एंड आई जस्ट ड्राइव बैक होम फ्रॉम हेयर। इफ यू फाउंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव एंड काइंड ऑफ वर्थ योर टाइम, यू नो वॉट टू डू, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड टू क्वेश्चंस फॉर यू बिफोर आई एंड इट। Do you want me to make a comparison between the Isuzu and the Thar 2020? And the second question is, do you want me to start making more content related to cars also, or I should just restrict myself to bikes, super bikes, if I may call it? So let me know about that in the comment section below and share your feedback about the video as well, and stay subscribed, stay connected, and I'll see you in the next one. See ya.